हेलो एवरीवन, मैं हूँ वनिका। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे गणपति बप्पा। आज तीसरा दिन है। दो दिन से मैं काफ़ी बिजी थी, इस कारण से वीडियो नहीं बना पाई हूँ, और आज मौका मिला है वीडियो बनाने का, तो सोचा कुछ बातें कर ली जाए आप लोगों से। आप क्या आपके घर पर भी गणपति विराजते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ 10 दिन के लिए बैठते हैं, वैसे तो ये हमेशा ही रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर पर रहते हैं, लेकिन विग्रह के रूप में ये 10 दिनों के लिए आते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर स्वरूप है, देख सकते हैं आप। और आपने देखा ही होगा, शॉर्ट में मैंने डाले थे वीडियो दो, उसमें देखा ही होगा कि किस तरीके की हमने डेकोरेशन करी है। ये जो जो भी डेकोरेशन का सामान मैं लाई हूँ, देखा होगा आपने वीडियो में, ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि कहाँ से मैंने इसे परचेस किया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप इंग्लैंड में रहते हैं तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि अभी आने वाले समय में भी नवरात्रि, दिवाली भी आ रही है, तो काफ़ी त्यौहार आ रहे हैं जिनमें हमें पूजा सामग्री वगैरह लगती हैं। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ से सामग्री वगैरह ले सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और एंड कार्ड या फिर एंड स्क्रीन पर भी लगा दूँगी। आज हम बात करेंगे गणपति बप्पा के बारे में, जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, है ना। इनके जो बड़े बड़े कांड हैं, क्या सिखाते हैं बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वैसे तो मैं भी बताऊंगी इस वीडियो में। और इनका जो बड़ा सा पेट है, वो क्या सीख देता है हमें। इनकी जो सूंड है, जो कि पूरे समय हिलती डुलती रहती है, वो क्या शिक्षा देती है हमें। ये सब बातें हम करेंगे आज। और गणपति बप्पा के जीवन से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, वो भी बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, गणपति बप्पा हमें सिखाते हैं कि जब भी हम कोई काम शुरू करें तो उसको पूरा करें। जैसे कि एक बार क्या हुआ, इसके पीछे की एक स्टोरी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वेद व्यास जी को ना स्पीड में लिखने वाला राइटर चाहिए था, तो उन्होंने गणपति बाबा का आह्वान किया। गणपति बाबा पधारे, उन्होंने लिखना शुरू करा, और वेद व्यास जी बोलते जा रहे थे। तो इसी बीच क्या हुआ, गणपति बाबा की कलम टूट गई, कलम मतलब पेन टूट गया। तो उन्होंने क्या करा, अपना एक दांत तोड़ा और उसी से लेखन कार्य शुरू करा, और 10 दिन में उन्होंने महाभारत की, महाकाव्य की रचना कर दी दोनों ने मिलकर, ठीक है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कोई काम शुरू करें तो उसको पूरा ज़रूर करें। फिर एक हमने उनका एक स्टोरी सुना है कि कार्तिकेय जी और गणपति बाबा को जब महादेव जी ने और पार्वती जी ने बोला कि सारी दुनिया की 3 परिक्रमा लगा के आओ, तो उन्होंने क्या करा, कार्तिकेय भगवान निकल गए अपने वाहन पर बैठ कर दुनिया की 3 परिक्रमा करने। लेकिन गणपति बब्बा के पास छोटा सा मूसक था, उससे उनको पता था कि पॉसिबल नहीं है पूरी दुनिया की 3 परिक्रमा करना। तो उन्होंने क्या करा, अपने माता पिता की ही 3 परिक्रमा करी और उनसे कहा कि आप ही मेरी दुनिया हैं। इससे इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास रिसोर्स कितने भी कम हों, जैसे भी हों, उनका अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहिए। उन्हें पता था वो छोटे से मूसक पर पूरी दुनिया नहीं घूम सकते, इसी कारण से उन्होंने माता पिता के चारों तरफ परिक्रमा करके उस चीज़ को पूरा करा। और दूसरी शिक्षा इस कहानी से हमें ये भी मिलती है कि माता पिता ही सर्वोपरि है। इसके बाद हमने एक स्टोरी और सुनी है कि जब माता पार्वती ने इनको अपने उपटन से बनाया और इनसे कहा कि तुम द्वार पर खड़े रहिए और अंदर किसी को आने मत देना, तो उस समय महादेव वहाँ पे पधारे और वो अंदर जाने की कोशिश करने लगे, तो गणपति ने उन्हें रोका। महादेव ने इस बात पे क्रोधित होकर उनका सिर काट दिया। तो ये स्टोरी हम सब ने सुनी है, उसके बाद की कहानी भी हमें सबको पता है कि इन पर हाथी का सिर लगाया गया है ना। मैं ये कहानी इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि मुझे स्टोरी बताना है, इसलिए बता रही हूँ कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। तो हमें अपने जो ड्यूटी हैं, अपने कर्तव्य हैं, उन्हें पूरी तरह से और अच्छे से निभाना चाहिए। अब
जैसा कि उनको माता पार्वती ने बोला था कि तुम द्वार पर खड़े होकर अंदर किसी को मत आने देना, तो जब तक वो जीवित थे तब तक उन्होंने महादेव को अंदर नहीं जाने दिया। तो उन्होंने अपनी जान देकर भी वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभाए। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, जरा से लालच के पीछे अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। फिर एक कहानी हमने सबने सुनी है उनकी, कि गणपति बप्पा एक बार खा पी कर निकले थे अच्छा खासा, तो उनका पेट बड़ा मोटा हो रहा था, तो चंद्रमा जो है उन पर हंसने लग गए। जब हंसे तो गणपति बप्पा को क्रोध आ गया, क्रोध आया तो उन्होंने श्राप दे दिया उसको कि तू लुप्त हो जा। इस चीज़ का उसके बाद फिर चंद्रमा को इस चीज़ का एहसास भी हुआ कि उन्होंने गलत किया, तो उन्होंने माफ़ी मांगी। और गणपति बाबा इतने दयालु हैं कि उन्होंने माफ़ भी कर दिया, लेकिन उनको बोला कि मैंने जो श्राप दिया है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो कम हो सकता है। तो उन्होंने चंद्रमा को बोला कि एक दिन के लिए तुम निश्चित ही लुप्त होगे, वो दिन रहेगा अमावस्या, बाकी दिन तुम दिखोगे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि फॉरगिवनेस, हमको माफ़ कर देना चाहिए, उस चीज़ को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। अगर हम किसी से क्रोधित हैं या किसी की कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आई है, किसी का रवैया हमें पसंद नहीं आना, तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि गणपति बप्पा की हमें बॉडी भी बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, जैसे कि उनके कान हमें सिखाते हैं कि अच्छा लिसनर बनिए, उनकी तोंद हमें सिखाती है कि बातों को पचाना सीखिए, इधर उधर चुगली मत करिए, उनकी सूंड हमें सिखाती है कि हमेशा एक्टिव रहिए, हिलती डुलती रहती है ना। इन्हीं सब बातों को अपने जीवन में भी उतारिए, मैं भी कोशिश करती हूँ। हमारे घरों में ग्रंथ तो बहुत हैं, हम पढ़ते भी रहते हैं, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू करिए और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखिए और हमारे जीवन में, खुद के जीवन में अप्लाई करिए, उनको उतारिए, नहीं तो वो ग्रंथ किसी काम के नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो आपको बताइएगा ज़रूर, कोशिश करिए है कुछ मन की बातें आपके साथ शेयर करने की। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, अच्छी लगी हो उसमें कुछ भी सीखने लायक लगा हो आपको तो शेयर जरूर करिएगा, और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले हमारे धर्म के बारे में, हमारे भगवानों के बारे में। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।